डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये वीडियो मोबाइल चार्जर से रिलेटेड है। किस तरह से आपका मोबाइल चार्जर वर्क करता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं और उन सब कंपोनेंट का क्या यूज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। स्पेशली 12th क्लास के साइंस स्टूडेंट्स जो फिजिक्स पढ़ रखे हैं वो इनको और भी अधिक एंजॉय करेंगे, क्योंकि उन्होंने सारे कंपोनेंट्स 12th क्लास के चैप्टर नंबर 14 सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रखा है, तो वो इस वीडियो में प्रैक्टिकल यूज भी देखेंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम जो मोबाइल चार्ज करने के लिए प्लग लगाते हैं वो है प्लग 220 वोल्ट सप्लाई में लगाते हैं, 220 से 240 वोल्ट हमारे घर में सप्लाई की जाती है, डोमेस्टिक सप्लाई जिसको कहते हैं, और मोबाइल की जो बैटरी होती है वो 5 वोल्ट की होती है। तो 5 वोल्ट की बैटरी 220 वोल्ट के थ्रू कैसे चार्ज हो रही है, ये तो बहुत हाई वोल्टेज है। साथ ही हमारे घर में जो सप्लाई की जाती है वो एसी वोल्टेज होती है, जबकि बैटरी कोई भी बैटरी हो, चाहे वो एसिड बैटरी हो या कोई ड्राई सेल बैटरी हो, हमेशा और हमेशा केवल डीसी वोल्टेज से ही चार्ज की जा सकती है। तो फिर ये मोबाइल चार्ज कैसे हो जाता है, इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लग रखे हैं। आपके सामने मैंने एडाप्टर खोल के रखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं देयर सो मेनी कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी। ये जो आपकी प्लेट है इसको हम कहते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और ये जो मोबाइल चार्जर है सेम आपका एडाप्टर है, आपके जो लैपटॉप का एडाप्टर होता है, ये SMPS पावर सप्लाई कहते हैं, जिसको स्विच मोड पावर सप्लाई कहा जाता है। तो इसी की डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये चार्जर खोल के रखा हुआ है, और ये आप देखें चार्जर के जो दो पिन्स हैं उनमें ये दो वायर कनेक्ट हैं, और ये जो वायर है ये पीसीबी में, आप यहाँ पे दो पॉइंट्स देखें, इस दो पॉइंट्स पे इनपुट टर्मिनल पर ये अटैच किए जाते हैं, और ये इनपुट टर्मिनल पर आप देखें यहाँ पर ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, जहां पे मैं पेन रख रहा हूँ, ये कंपोनेंट्स हैं डायोड। ये डायोड चार डायोड्स हैं, और ये चार डायोड्स मिलकर रेक्टिफायर बनाती है, एक्चुअली रेक्टिफायर की ये वाली सर्किट्स है, ये पोर्शन आपका रेक्टिफायर बना रहा है। और ये कार्बन रेसिस्टर है, आप जिसमें देखें कलर कोडिंग करी हुई है, ये प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं। इस रेक्टिफायर की सर्किट को मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये एसी वोल्टेज जो आप सप्लाई से लेते हैं 220 से लेके 240 तक, और ये रेक्टिफायर में हमारी फीड की गई है, चार डायोड के सिंबल्स हैं। ये है FWR ब्रिज रेक्टिफायर, जिसको हम लोग नाम देते हैं FWR ब्रिज रेक्टिफायर, और ये हमारे चार डायोड से मिलके बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 डायोड। फंक्शन क्या है इसका, इसका जो फंक्शन है कन्वर्ट करता है एसी से डीसी में, मींस यूनिट वाई डायरेक्शनल करंट टू यूनिट डायरेक्शनल करंट। इसमें जो इनपुट दी जाती है ये एसी सिग्नल है, जिसको हम एसी वोल्टेज भी कहते हैं, और जब इस डायोड सर्किट के थ्रू, रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू पास हो जाती है, तो ये इस तरह से डीसी बन जाती है, इसको कहते हैं हम पल्सेटिंग डीसी, प्योर डीसी नहीं है, पल्सेटिंग है। इसके बाद हमारे पास आप ये देखें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर पॉलीटिक कैपेसिटर है, ये माइक्रोफेरेड में होते हैं, ये पॉलीटिक कैपेसिटर माइक्रो नैनोफेरेड। यहाँ पे ये कैपेसिटर क्या काम है, ये कैपेसिटर जो यहाँ से हम ये वेव निकल के आई, ये वाली वेव इसको फीड करते हैं इस कैपेसिटर में, जिसको मैंने आपको दिखाया ये वाला कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर में ये वाली जो इनपुट फीड की गई ये कैपेसिटर चेंज कर देता है इस पल्सेटिंग डीसी को इस तरह की डीसी में, नियर बाय टू डीसी वोल्टेज। तो ये इस कैपेसिटर का फंक्शन हो गया। अब ये हमारी डीसी वोल्टेज में चेंज हो गया है। इसके बाद जो आपके पास सप्लाई कैपेसिटर के बाद जाती है हमारे मॉसफेट में, ये आप देख सकते हैं, दिस वन इज मॉसफेट, आपको पेन रख के दिखा रहा हूं, फिर से आपको दिखा रहा हूं, ये है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका क्या फंक्शन होता है,
एक्चुअली जो हमारी सप्लाई लैपटॉप के जो एडाप्टर होते हैं और हमारे चार्जर होते हैं, एसएमपीएस कहलाते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच वर्ड ऑन ऑफ स्विच, ये है आपका मॉस्फेट का सिंबल। ये क्या करता है, ऑन ऑफ बहुत फास्ट स्विच होता है। तो हम इस डीसी सप्लाई को फिर से एसी में चेंज करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी एसी। उसका रीजन क्या है, आपको पता होगा सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एफ, जिससे हमारा कैपेसिटेंस का साइज छोटा हो जाए और फ्रीक्वेंसी हमारी इसमें हाई रख कर लेते हैं। इसलिए तो ये वर्क हमारा ये मॉस्फेट करता है, ये वाला जो आपके पास कंपोनेंट है। और इस मॉस्फेट से हम फिर से इसको एसी सिग्नल ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी में चेंज कर लेते हैं। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि आपको पता है ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क ऑन एसी सप्लाई, नेवर वर्क ऑन डीसी सप्लाई और वेरिएबल सप्लाई, इट वर्क ओनली ऑन वेरिएबल सप्लाई, दैट यू कैन से एसी सप्लाई। तो इस ट्रांसफार्मर में फीड करने के लिए हम फिर से इसे एसी में चेंज करते हैं। एसी में चेंज जब हो गया, उसके बाद हम इस ट्रांसफार्मर में जो आपको ये दिख रहा है ट्रांसफार्मर, इसमें ये सप्लाई फीड कर देते हैं। और ये सप्लाई ट्रांसफार्मर फीड हो जाती है और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज इसमें चेंज होती है। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मॉस्फेट से जो हमारी आउटपुट निकल के आती है वो कुछ स्क्वायर वेव्स होती हैं, और इस स्क्वायर वेव्स को आप हम इस ट्रांसफार्मर में फीड कर देते हैं हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, जो हमारी रिक्वायरमेंट है 5 वोल्टेज तक। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है हमारे आउटपुट में, और ये आउटपुट भी अभी हमारी एसी है। आउटपुट साइड, हमारे आउटपुट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके आउटपुट साइड में 3 कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक डायोड, एक जीनर डायोड, एक कैपेसिटर, पोलैरिटी कैपेसिटर। इनका क्या फंक्शन है, तो आउटपुट साइड पे हमारे पास जो जीनर डायोड, जो इसका सिंबल है, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। मींस जो हमारे पास 5 वोल्ट मिल रही है, उस 5 वोल्ट को ये कांस्टेंट रखेगा, ना ये कम होने देगा ना ये अधिक होने देगा। दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ये अगला जो आपके पास कंपोनेंट है वो है आपके पास ये सिंगल डायोड रेक्टिफायर। सिंगल डायोड रेक्टिफायर किस लिए कहा गया ऐसा वर्ड, क्योंकि ये केवल एक ही डायोड है जो रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा। ये जो हमारे पास ये जो इससे लो वोल्टेज एसी मिलेगी वो ये डीसी में कन्वर्ट करेगा रेक्टिफायर। और ये जो आपके पास रेक्टिफायर से जो डीसी मिलेगी, पल्सेटिंग डीसी, वो डीसी इस कैपेसिटर में जाएगी फिर से फिल्टर होने के लिए, या आपके पास जो पोलैरिटी कैपेसिटर है इसमें। और फिर से हमारे पास जो अब आउटपुट पे जो हमारे पास मिलेगी इस पिन पर, ये हमारे पास 5 वोल्ट डीसी इसमें हमें मिल जाएगी, जिससे हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। और यहाँ पर इसमें मैं ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में आपको दिखाया हुआ है कंप्लीट सर्किट। एसी वोल्टेज जो हमने इनपुट में दी, FWR उसने हमें आउटपुट वेव फॉर्म ये आपको दिखाई गई है, पल्सेटिंग डीसी के फॉर्म में, फिर ये कैपेसिटर में गई, कैपेसिटर के बाद ये आपके पास कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद फिर मॉस्फेट में गई, ये आपके पास मॉस्फेट, ये आप देख सकते हैं मॉस्फेट को, दिस वन इज योर मॉस्फेट। मॉस्फेट के बाद ये हमारी रेक्टेंगुलर पल्स हाई वोल्टेज की, ट्रांसफार्मर ने उसे लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया। लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद जो एसी सिग्नल फिर से हमारे पास, ये सिंगल डायोड रेक्टिफायर, और ये उसमें कैपेसिटर जो फिल्टर की तरह वर्क करेगा। फाइनली हम विल गॉट आवर आउटपुट ऑफ 5 वोल्ट, दैट इज डीसी, और ये डीसी हमारे पास मोबाइल में चार्ज करने के लिए काम आएगा। तो ये इसका हमारा प्रोसीजर था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।